आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सॉफ्ट आलू का पराठा बनाने की रेसिपी, जिसे मैंने बिना आटा गूंथे बिना स्टफिंग बनाए बनाया है। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों, अंशदीप रेसिपीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर फटाफट से इस स्वादिष्ट आलू के पराठे की रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल में आलू ले लिया है, ये मैंने उबाल लिया है। दो छोटे आलू लिए थे मैंने, उसे उबाल कर अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। आलू में बड़े बड़े टुकड़े नहीं रहने चाहिए, अच्छे से इसे कद्दूकस कर लें। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है बारीक कटे हुए प्याज और धनिया, साथ ही डाल दिया है एक हरी मिर्च बारीक काट के। यहाँ मैं डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर, बहुत अच्छा कलर आता है इससे पराठे में। थोड़ा सा आमचूर का पाउडर डाला है मैंने। थोड़ा सा मैं यहाँ डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, और साथ ही डाल रही हूँ थोड़ा सा ही जीरे का पाउडर। नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है मैंने। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को इसमें, आलू और प्याज के साथ। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे आटा। तो यहाँ मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ, आधा कप आटा लिया है मैंने, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम पानी। तो थोड़ा थोड़ा आवश्यकता के अनुसार पानी डालते हुए हमें इसका एक लिक्विड तैयार कर लेना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका घोल तैयार कर लेना है, और घोल को बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। ये देखिए, इस कंसिस्टेंसी का ये होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरह से ये लिक्विड हमारा तैयार हो गया है। इस तरह से तैयार करके इसके बाद हम इसे बनाएंगे हमारे पराठे। तो चलिए दोस्तों, लिक्विड हो गया है तैयार, अब बनाते हैं पराठे। तो इसके लिए मैंने एक पैन गरम कर लिया है। ज़रा सा मैंने यहाँ घी का ब्रश कर लिया, आप चाहें तो ऑयल से भी ब्रश कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा लिक्विड इसमें डालकर हल्का सा इसे फैला लें, और फिर इसे ढक दें। और फिर ढकने के बाद धीमी आंच पर ही इसे पकने दें। थोड़ी देर में ही ये नीचे से पककर हो जाएगा तैयार। तो उसके बाद हम इसे पलट लेंगे, और दोनों ही तरफ से पलट पलट कर इसे सेक लेंगे अच्छे से। इस तरह से आप बिना मेहनत के बहुत ही आसानी से पराठे बना सकते हैं, और बहुत ही स्वादिष्ट पराठा बनकर हो जाता है तैयार। तो लीजिए दोस्तों, ये पराठा देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और स्वाद में भी बहुत अच्छा होता है। तो ये हो गया तैयार। इसी तरह से हमें सारे पराठे बना लेने हैं। इसमें हमें ऊपर से बहुत ज़्यादा घी लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, बस एक बार पैन में हल्का सा ब्रश कर लेंगे घी या ऑयल का, और इस तरह से हम तैयार कर लेंगे हमारे पराठे। बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बनकर ये तैयार हो जाते हैं, और स्वाद में भी बहुत ही लाजवाब होते हैं। तो दोस्तों, इसे बनाइएगा ज़रूर, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको इन पराठों की रेसिपी कैसी लगी और टेस्ट कैसा लगा पराठों का। तो लीजिए, ये भी हो गया है तैयार। इसी तरह से हमें उलट पलट कर इसे धीमी आंच पर अच्छे से सेक लेना है। ये देखिए, कलर भी कितना प्यारा लग रहा है हल्दी की वजह से, और बहुत ही टेस्टी पराठे हो गए हैं बनकर तैयार। इसे आप जिसके साथ सर्व करना चाहें करें, मैं यहाँ सॉस और चटनी के साथ कर रही हूँ। देख सकते हैं आप कितना सॉफ्ट बना है ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट पराठे बनकर हो जाते हैं तैयार, टेस्ट में भी होते हैं बहुत लाजवाब। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है आलू के पराठे, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी, और बनाने में भी बहुत आसान, बहुत ही कम ऑयल या घी के साथ। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बनाइएगा ज़रूर, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और यदि रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।